तो हम लोग अभी आए हुए हैं खराड़ी, ऐसे घूमने निकले थे। आज है सैटरडे और घूमने निकले थे तो यहाँ पर एक ऐसा छोटा सा फनफेयर टाइप दिख रहा है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। वो देख रहे पीछे, तो वहीं बस जा रहे हैं। टिमटिम भी थोड़ा सा मतलब फन कर लेगी और हम लोग भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाए। मॉल्स के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता शाम के टाइम पे, और मॉल्स जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो जाके देखते हैं क्या है कैसा है ये टिमटिम। हम लोग एक्चुअली अभी वॉक कर रहे हैं सोसाइटी में। जैसे ही पहुंचे तो टिमटिम ने बोला कि मुझे घर नहीं जाना है, मुझे नीचे खेलना है, तो उसे नीचे लेकर के आए हैं एंड हम दोनों वॉक कर रहे हैं और बाहर से पानी पूरी खाकर आए हैं। मुझे किसी ने पूछा था कि मैं पानी पूरी नहीं खाती हूँ, कि पानी पूरी खाती हूँ बट वीडियो नहीं बनाती उसका। तो अभी बस पानी पूरी खाकर आए हैं घर जा करके। मैंने राइस और सब्जी बना करके रखा है तो वो खाएंगे एंड थोड़ा बहुत बहुत जरूरी काम भी करना है आज, तो वो भी करेंगे। आज मैंने मेरा होम टूर फिल्म कर लिया है तो वो मेरे मेन चैनल पर जाएगा, तो मेन चैनल देखना मत भूलना बिल्कुल भी। एंड अभी हम लोग फिलहाल वॉक कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी इवनिंग वॉक। सो आ गए वो नीचे से वॉक वगैरह करके और अभी खाना नहीं खाया है एंड अराउंड 10:30 हो गया है। मैंने सोचा मैं ये सारी चीज़ें वापस से पैक कर देती हूँ, अब दिवाली तो हो गई है, वापस से बाहर रखूँगी तो टूटने की फूटने की डर रहता है। एंड क्योंकि बच्ची मेरी छोटी है, कभी गिर गया, कुछ फूट गया, टूट गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और ये आगे भी फेस्टिवल्स में या अगर कोई घर आ रहा है डिनर वगैरह के लिए, कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो वापस से निकालूंगी इन चीज़ों को। तो फिलहाल मैं इसको पैक करके रख रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी ब्लॉगिंग करते हैं। और बहुत ये जो मेरा सेंटर टेबल है इसके अंदर जो ये स्टोरेज है ना, ये बेस्ट है एक्चुअली चीज़ों को पैक करने के लिए, लाइक इस टाइप की चीज़ें जो टूटने फूटने का डर होता है उनको पैक करने के लिए। क्या बेबी उसकी वो उसका कवर है ना, आप वीडियो में सबको हाय तो बोल दो। क्यों नहीं, क्यों नहीं बोलोगी? थोड़ा नीचे आके आप दिखी नहीं हो अभी। कैसी थी आप सबकी दिवाली और क्या क्या बनाया, क्या क्या खाया, क्या क्या स्पेशल किया ये जरूर बताना मुझे कि दिवाली में क्या क्या स्पेशल किया और ये सब। और क्या आप भी ऐसे ही करते हो मेरे जैसे कि दिवाली में जो डेकोरेशन की चीजों को और उसको फिर निकाल करके संभाल करके रख दो ताकि आगे बाद में काम आए? पता ऐसे ही करती हूँ, इतनी चीज़ें खराब हो जाती हैं यार, और बच्चा है घर में तो फिर तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं थोड़े से प्रिकॉशंस ले रही हूँ। और आज वो मैं जहाँ गई थी ना, मैंने बताया था आप लोगों को, वहाँ पर ज्वेलरीज की शॉप भी थी ना, तो मैंने ये एक इयर रिंग का सेट लिया। बहुत कॉमन है वैसे तो ये, मतलब आई थिंक हर किसी के पास होंगे ये, बट बहुत कॉमन है और मेरे पास नहीं थे, दैट्स व्हाई मैंने ये अच्छे लगे थे मुझे, सोचा कॉमन चीज़ है बट ले। इसमें सीरीज लाइट रखना है और इसमें
ये टी लाइट्स जो होती हैं इनका भी आई डोंट थिंक ऐसे जनरली यूज आने वाला है, तो रख देती हूँ, जब जरूरत पड़ेगी वापस से तब यूज करूंगी। ये जो दोनों लाइट्स हैं, एक ये और एक ये है कलरफुल वाले लाइट्स। मतलब वैसे तो मुझे ना वो जो मल्टी कलर्ड वाली लाइट्स होती हैं जो फेरी लाइट्स, वो बिल्कुल भी नहीं पसंद आती हैं। मैंने मेरे बालकनी के लिए लिया था पिंक एंड येलो कलर की, तो ये वो है, बालकनी से भी निकाल दिया है मैंने, तो ये भी पैक कर दे रही हूँ। और घर में जो लगी हुई है लाइक ऑफ वाइट कलर की, वो मुझे अच्छी लगती है और मैं साल भर उन्हें रखने मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, तो इसलिए मैं वो जो घर में ऑफ वाइट वाली लगी हुई है उन्हें नहीं निकालूंगी। लेकिन ये जो कलरफुल है इन्हें मैं रख दे रही हूँ लाइक पिंक एंड येलो कलर वाली, बिकॉज नेक्स्ट ईयर फिर काम आएगी, और ऐसे सेफ्टी रखूंगी तो ठीक रहेगी, नहीं तो ख़राब हो जाती है बाहर ही रखो तो। तो सीरीज भी फेरी लाइट्स भी हो गई पैक, एंड ये फिर वाटर पीना है बस हो गई सारी चीजें, मैंने अच्छे से वाइंड अप कर ली, दिवाली गई और सारी चीजें अंदर गई। एंड और मुझे एक बहुत अच्छी चीज आप लोगों के साथ में शेयर करनी है, मैं कहीं जाने वाली हूँ, क्या गेस कर सकते हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ? दो दिन से मेरा मूड एक्चुअली बहुत ऑफ था, बहुत बहुत, क्योंकि मेरे वहाँ का रिजर्वेशन नहीं हो पा रहा था, मैं तत्काल में ट्राई कर रही थी तो नहीं हो पा रहा था और मैं बहुत सैड हो गई थी। ये भी एक रीज़न है कि मैंने दो दिन से व्लॉग ही नहीं किया। फिर फाइनली कल मेरे हस्बैंड ने टिकट करा दी एंड मैं जा रही हूँ फाइनली। आई थिंक समझ जाओगे आप लोग कहाँ जा रही हूँ, और बहुत दिन हो गए, ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए। अरे ऐसी करती है सारी चीज़ें, सारे सरप्राइजेस खोल देती है। तो एक्चुअली मैं जा रही हूँ मेरी मम्मी पापा के घर, आप इधर आओ ना। हाँ तो हम लोग जा रहे हैं 19th को मेरे मम्मी पापा के घर जबलपुर, मैं और टिमटिम हम दोनों जा रहे हैं, 10 दिन के लिए जा रहे हैं, और मैं बहुत, मेरा बहुत मन कर रहा था एक्चुअली। आप लोगों ने भी देखा लास्ट, मतलब बस मैं ससुराल जाती थी वहाँ से लौट आती थी, क्योंकि इतनी छुट्टियाँ ही नहीं थी इनके पास, और मुझे मेरा भी काम पूरा देख के जाना पड़ता है लाइक पहले से वीडियोज शेड्यूल करके और सारी चीज़ें करके। बट बहुत मन, ऑल ऑफ सडन दिवाली के बाद मेरा मन करने लग गया कि यार मम्मी पापा के यहाँ जाना है। फाइनली हो गई मेरी टिकट और मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बेटा, कौन सा फ्लावर चाहिए? हाँ तो फाइनली मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज मम्मी पापा के घर जाने, मतलब मायके जाते टाइम कौन लड़की होगी जो खुश नहीं होगी। तो बस मुझे वो भी पैकिंग वगैरह शुरू किया, पैकिंग तो मैं जिस दिन जाना होता उसके एक दिन पहले ही करती हूँ, और लेकिन मुझे मेरी तैयारी करनी है लाइक मुझे मेरे मेन चैनल के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं। हैप्पी तो मुझे मेरे मेन चैनल के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं, एंड व्लॉग आई डोंट नो मैं व्लॉग कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मतलब करूंगी तो जरूर मायके जा रही हूँ तो, बट वहाँ से एडिट करके और फिर अपलोड करना वो थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, नेट का इशू एंड ऑल, और मेरा जो मैकबुक है वो लेकर नहीं जाऊँगी, मैं मेरा मोबाइल ही लेकर जाऊँगी, उसी से मैं व्लॉगिंग भी करूँगी, एडिट का भी मैं सोच रही हूँ उसी से करूँगी, क्योंकि मैं मैकबुक लेकर जा जाती हूँ, अकेले जा रही हूँ ना टिमटिम के साथ, तो थोड़ा फ्री होके जाना चाहती हूँ, लाइक इतना टेंशन ना रहे बैगेज का। बस वही है, मैंने रखा, चलो कोई बात नहीं। सो फाइनली जो दिवाली वाला वाइंड अप था वो भी हो गया, मैं ये ड्रेस चेंज करती हूँ। आपने लास्ट व्लॉग में भी मुझे इसी ड्रेस में देखा था जो दिवाली वाला व्लॉग था, वेरी बैड यार टिमटिम। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, बस वही अब तैयारियों में जुटना है, एंड वो पीछे जो आपको प्लांटर दिख रहा है ना उसमें मैंने पाम ट्री लगाया हुआ था, बट वो सूख गया यार, नहीं पता क्यों सूखा, बल्कि मैं पानी भी हमेशा डालती हूँ,
सारी चीजें करती हूँ. उसमें पहले तो ऐसे छोटे छोटे से वाइट वाइट से दाने होने स्टार्ट हुए, मतलब जो लीफ थी उस प्लांट की, और फिर वो ऑल ऑफ सडन सूख गया. तो मैंने फिर उसमें, मेरे पास पीस ले ली का ऑलरेडी एक प्लांटर था जो कि प्लास्टिक के प्लांटर में लगा हुआ था, वो पीस ले ली का प्लांट, तो वो मैंने उस प्लांटर के साथ में ही उसके अंदर डाल दिया. पीस ले ली भी एक्चुअली घर में रखनी चाहिए, अच्छी होती है, और मेरे पास थी ऑलरेडी. नर्सरी जाने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, और अभी मम्मी के घर से जब तक नहीं आऊँगी तब तक कोई न्यू प्लांट नहीं लाऊँगी. तो हाँ, और मैं ये ड्रेस की बात करी थी, तो मैंने दिवाली के दिन भी ये पहना था और अब इसको वॉश करना था थोड़ी देर के लिए मुझे, फिर मैंने सोचा यही पहन लेती हूँ यार, तो अब पहना है, अब मैं फाइनली इसको वॉश कर दूँगी. तो वही वाला गेटअप लिया है पूरा जो दिवाली के दिन लिया था मॉर्निंग के टाइम पे, और एक्चुअली बहुत कम्फर्टेबल है. इसका जो मटेरियल है ना वो प्योर कॉटन है और बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, तो इसलिए मैंने पहन लिया. तो मैं कितनी देर से बस बात ही कर रही हूँ ना, बस अब खाना खाऊँगी, मतलब खाएँगे. एक्चुअली हस्बैंड को थोड़ा सा काम था तो वो काम कर रहे हैं अपना, वो फ्री हो जाए फिर हम लोग खाना खाते हैं. और क्या बात करनी थी मुझे आपसे, आपने खींचा उसे? हाँ. टिमटिम वो गिर जाएगा ना बेबी, वो मिरर. ये तो ऐसे ही. लेकिन अब मत खींचना ठीक है. ये 100 rupees का था, मैंने बताया शायद आपको प्राइस ना. मैंने टिमटिम के लिए 3 rings भी लाओ. यार मेरे ईयर बहुत दर्द हो रहे हैं मेरे कान, मैंने वो बड़ा सा पहना था ना उसकी वजह से शायद. ओह माय गॉड. अच्छे लग रहे हैं ना, और आई थिंक इस ड्रेस के साथ सिल्वर शायद ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है गोल्डन के कंपैरिजन में. फ्लावर तोड़ दिया आपने? नहीं. चलो कोई बात नहीं, मुझे बताना जरा कि इसमें, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इसमें ये गोल्डन अच्छा लग रहा है कि ये सिल्वर अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं समझ रहा. थोड़ा मुझे सजेस्ट करना क्योंकि मैं अभी मम्मी के घर जा रही थी, सोच रही हूँ ये ड्रेस भी रखूंगी, तो अगर इसके साथ में जो भी इयर रिंग अच्छी लग रही होगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं इयर रिंग रख दूंगी. आई थिंक ये अच्छा लग रहा है क्या, बताना नीचे कमेंट में. चलिए मैं ड्रेस वगैरह चेंज करती हूँ फिर बातें करते हैं. मैं सोच रही हूँ भी नाइट टाइम रूटीन भी शूट कर लेती हूँ मेन चैनल के लिए. ठीक है, करते हैं थोड़ी देर से बात. बाय बाय. बोलो. क्या कर रही हो टुकटुक? ये बलून है, इसके 3 dots है, और ये ना सबको मार देता है. देखो मेरे को मारा, मेरे को मारा मारा मारा, और इसका वो बार बार लेता है, बहुत ज्यादा बार बार लेता है. हम बम्बा मारे सो जस्ट नाउ अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया है और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना एक और चाय बना ली जाए. बहुत धूप है यार, बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा. बंद करो विंडो. अब अच्छा लग रहा है ना. मुझे आज बहुत, मुझे आज बहुत सारे वीडियोज एडिट भी करने हैं एंड फिल्म भी करने हैं, एंड आज मैंने हेयर वॉश भी किया. ये वीकेंड पूरा ऐसे ही गया, इस वीकेंड में हम लोग कहीं भी नहीं गए घूमने के लिए. ये बोल रहे थे कल कहीं जाने के लिए बट मेरा मन ही नहीं किया कि मैं कहीं जाऊँ. लेकिन नहीं यार, अभी फेस्टिवल गया है तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, देन उसके बाद में अब नेक्स्ट. यार मुझे धीरे धीरे तो पैकिंग वगैरह स्टार्ट करनी है, क्या क्या ले जाना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें देखनी है. बस अब कल से टिमटिम का भी स्कूल चालू होने वाला, तो उसकी यूनिफॉर्म वगैरह सब तो रेडी है, तो एज सच कोई लोड नहीं है. और बस अभी पापा बेटी दोनों आ गए, मैं नहीं पता क्या गुफ्तगू कर रहे. सो मैं सोच रही हूँ कि जाकर के मैं थोड़े वीडियोस फिल्म कर लेती हूँ, थोड़े से स्किन केयर के वीडियोस करने हैं, थोड़े मुझे फैशन वगैरह से रिलेटेड वीडियोस करने हैं, तो ये सब करती हूँ देन हम बातें करते हैं. सोच रही हूँ चाय बना लेती हूँ एक ना, अच्छी अदरक की चाय.
आपके आप जहाँ रहते हैं वहाँ ठंड स्टार्ट हुई है कि नहीं जरूर बताना नीचे कमेंट पर, क्योंकि यहाँ पुणे में तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है, अच्छा मौसम है, ना ही ठंड है ना ही गर्मी है। बट मतलब एमबी में मतलब मेरे इन-लॉज बता रहे थे और मम्मी लोग बता रहे थे, मम्मी पापा, कि वहाँ ठंड बहुत अच्छे से चालू हो गई, लाइक स्वेटर पहनना पड़ता है। तो आप बताना आप जो सिटी में है वहाँ कैसा वेदर है, क्या बारिश आई मीन क्या ठंडी स्टार्ट हो गई है, बिकॉज पुणे मुंबई में तो नहीं है। पुणे का मौसम पर अच्छा है, गर्म भी नहीं है बहुत और ठंडा भी नहीं है, ठीक है। अभी जैसे फैन चल रहा है, ये जो फैन चल रहा है, सो ऐसा है। सो गुड इवनिंग, अभी मैं इवनिंग में बात कर रही हूँ। इवनिंग मतलब क्या, 6:30 बज गए, दिया बत्ती वगैरह हो गई है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ स्नैक्स खाते हैं। और मैंने आप लोगों को दिखाया भी नहीं, मैंने एक्चुअल में दिवाली में खाते बनाया था, क्योंकि मैंने दिवाली छोटी दिवाली वाले दिन में बनाया था और उस दिन मैंने व्लॉग भी बनाया था और उसका डेटा भी मेरे पास में रखा हुआ है, मतलब उसकी जो क्लिप्स है वो। लेकिन मैंने वो, हाँ बेटा, हाँ ना बेटा, शाम होती है तो अंधेरा होता है ना, हम अभी जाएंगे बेटा नीचे, थोड़ी देर रुक जाओ। तो मैंने वो छोटे वाले छोटे दिवाली वाले दिन ये सब बनाया था, उसका डेटा भी रखा हुआ, बट मैंने वो ब्लॉग एडिट ही नहीं किया और ना ही अपलोड किया, डायरेक्ट मैंने बड़ी दिवाली जो मेन दिवाली होती है उसका ब्लॉग डाल दिया। तो उस दिन मैंने ये सब बनाया था और मैंने आप लोगों को दिखाया भी नहीं, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया था। और ये बहुत सारा बचा हुआ है तो आप लोग भी खा लेना, थोड़ा थोड़ा टेस्ट करना और बताना मुझे कि कैसा लगा। एंड इसके अलावा मैंने गुलाब जामुन वगैरह, बोलो बेटा, ओके वो ग्रीन ही है। और क्या कहते हैं, इसके अलावा मैंने गुलाब जामुन बनाया है, तो वो मुझे अभी बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने वो नहीं लिया है मेरी प्लेट में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या है। तो ये है वो प्लेट, मैंने ये सब बनाया था, लाइक ये है चूड़ा, सेव बनाया मैंने, फर्स्ट टाइम मैंने सेव ट्राई किया था, बट एक्चुअली हिट क्या हुई, मैं ना टर्मरिक डालना भूल गई, जो हल्दी होती है ना वो डालना मैं भूल गई थी सेव में, बट स्टिल टेस्ट बहुत अच्छा बना इसका, टेस्ट बहुत अच्छा आया इसका। ये वो खुरमे जो आपने इसका तो देखा था, देन इसके बाद गुजिया बनाया मैंने, गुजिया मैंने मेरी लाइफ में सेकंड टाइम बनाया और अच्छी बनी, वैसे स्टार्टिंग की 2-3 जो थी वो फट गई, बट उसके बाद से फिर अच्छी बनने लग गई। तो ये अब मैं ये सब खाती हूँ, तो मैं ये सब अभी फिनिश कर लेती हूँ, मतलब ये सब अभी खाती हूँ मैं, फिर हम लोग जाएंगे बाहर थोड़ी सब्जी वगैरह लेनी है, तो बस फिर मिलते हैं। और ये ब्लॉग बहुत ही टुकड़े टुकड़े में बन रहा है ना, क्योंकि मैं कंटिन्यू बना ही नहीं पा रही हूँ। अब एक्चुअली ये पूरा वीकेंड ही बहुत ही ज्यादा लेजी था, क्योंकि दिवाली के बाद का वीकेंड था, तो पिछले कुछ दिनों से इतना काम हो रहा था कि अब थोड़ा सा आराम, अब कल से वापस से दौड़ना शुरू करना पड़ेगा। लाइक सुबह टिमटिम भी स्कूल जाएगी, कल से उसकी भी छुट्टियां खत्म हो रही है, हस्बैंड का ऑफिस का वो तो खैर रहता ही है, देन इसके बाद में मुझे इन एक हफ्तों में अराउंड 15 वीडियोस रेडी करने हैं फॉर माय मेन चैनल, क्योंकि जो मैं इतने दिन छुट्टी के लिए जा रही हूँ तो वो सारी चीज़ें रिकवर करते हुए, तो मुझे कल से बहुत ज़्यादा काम है, तो इसलिए आज मैंने फुल ऑन आराम किया। चलिए ठीक है, नाश्ता करते हैं फिर हम बातें करते हैं। सब क्या है टमटम? बुक्स है। कौन से बुक्स? कलर बुक्स। कितने बुक्स लाई हो? 3 बुक्स 3 नहीं 2 लाई हो, देखो 2। फिर ये क्या है? ये स्टिकर है, स्टिकर जरा दिखाओ इधर, क्या करोगे आप इस स्टिकर का? आई कार्ड में चिपकाऊंगी। आपका आई कार्ड तो पूरा ऐसे से भर जाएगा। एक पहले एक ही चिपकाऊंगी ना, ये वाला। कौन सा वाला? Which one? इस। ओह वाओ, ठीक है। और क्या लाई हो? और ये था। ये क्या है? ये प्ले है। क्ले है? नहीं प्ले है। प्ले नहीं बोलते, उसे क्ले बोलते हैं। प्ले नहीं बोलते, क्ले बोलते हैं। और डो बोलते हैं। इसका डो बोलते हैं, डो। ये डो से ना ट्रेन में करूंगी ये सारे। अच्छा, ट्रेन के लिए लाई हो क्या आप? हाँ। ओके। और ये क्या है? स्केच पेन। वाओ। ये भी ट्रेन के लिए, सारे स्वान ट्रेन के लिए है। बस। अब ये बॉल ट्रेन में लाए थे हम लोग। ओके। एक क्रेयॉन के भी आपके पास कितने सारे पैकेट्स हैं ना, न्यू। हाँ। वो भी रख लेंगे हम। ओके। ओके। डन। डन। और ये को ये क्या है यार? ये भी स्टिकर है। स्टिकर स्टिकर है क्या? हाँ, ये मैं इसका स्टिकर है, तो पता।
ये सारी सब्जियां मैं अभी लेकर के आई हूँ और सिर्फ दो दिन के अकॉर्डिंग ही लाई हूँ सब्जियां, क्योंकि क्या होता है ना ढेर सारी सब्जियां ला लो वो फ्रिज में रखे रखे खराब हो जाती हैं, कभी भूल जाते हैं। तो मैंने सोचा इस बार मैं बहुत कम सब्जी ही लेकर जाऊंगी जो कि हार्डली 2 डेज चले, उसके बाद भले ही फिर पास में भी बहुत सारी छोटी छोटी सब्जी के मार्केट से वहाँ से ला लो शॉप से। तो ये मैं मेथी लाई हूँ, धनिया पत्ती, थोड़े से ये छोटे वाले बैंगन, इनके जो स्टफ्ड बैंगन होते हैं ना बाहर में वो बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे, ये लाया मैंने। फिर एक फूल गोभी लाई, थोड़ी सी कुकुम्बर लाई, देन ये थोड़े से कैरेट्स लाई। टिमटिम कैरेट खाना है? कुछ भी अच्छा नहीं खाना होता ना आपको, इससे आपके आईज बहुत अच्छी हो जाएंगे। एंड इन सब्जियों के अलावा मैं ये लाई हूँ बेर, जो छोटे छोटे से बेर होते हैं ना, एक्चुअली मुझे बचपन में ये बहुत पसंद थे तो मैंने अभी इनको वॉश किया है, तो वॉश करके इसी में रख दिया ताकि इससे पानी अच्छे से चढ़ जाए। मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, अभी मैं ये खाऊंगी। नो डाउट इसको खाने से सर्दी वगैरह हो जाती है, मुझे बचपन में भी ये बहुत ज़्यादा पसंद थी। एंड आई डोंट नो मैं अभी ये खाऊंगी कि बाद में खाऊंगी, बट खाऊंगी ज़रूर इसे। क्या हो गया? टिमटिम को अभी नहीं दूंगी क्योंकि इससे कोल्ड हो जाता है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब हम छोटे थे तब ये इतना जो मैंने ये क्वांटिटी ली है ना ये 1 रुपए की मिलती थी, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपए की मिलती थी, बट अभी मैं ये 20 रुपीज़ का लगा। महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है डे बाई डे। चलिए मैं ये सब्जियाँ रख लेती हूँ, पूछती हूँ क्या खाना है, फिर हम बातें करते हैं। हम लोग बस जा रहे हैं, थोड़ा वॉक करेंगे, मुझे एक आध चीज़ लेनी है फॉर वीडियो। थोड़ी वॉक करेंगे एक्चुअली मैंने पहले से ही थोड़े बड़े पहन के रखे थे तो वही पहने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वॉक के लिए मैं इतने बड़े इयररिंग्स पहन के जा रही हूँ। हेलो, तो हम लोग आ गए अभी। हाँ, क्या हम लोग आ गए? आपने कुछ और भी खाया? क्या दिखाओगी? अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। तो मैं ब्लॉग एंड करने वाली हूँ एक्चुअली, तो बस हम लोग नीचे से आ गए और मैं गई थी लेने के लिए गार्नियर की बीबी क्रीम, कल ये ट्राई करूंगी मैं फर्स्ट टाइम। हाँ, बीबी क्रीम, तो कल मैं इसे फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी, इस पर फर्स्ट इंप्रेशन वाला वीडियो बनाऊंगी, तो इसलिए लेने गई थी। और वैसे एक्चुअली जो मेरे पास बीबी क्रीम थी वो खत्म भी हो गई है, तो मुझे न्यू लेनी थी, तो मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करते, तो फर्स्ट टाइम मैं गार्नियर की बीबी क्रीम ट्राई करने वाली हूँ। उसका रिव्यू एंड एवरीथिंग आपको मिलेगा मेन चैनल पर। और टिमटिम को आपको कुछ दिखाना है, क्या दिखाना है बेटा आपको? दिखाओ, अभी दिखाती हूँ। ये को ये अच्छी है ना प्रिंसेस? हाँ अच्छी है ना? सर्कल आता है ना आपका फेस डिटेक्ट करता है। चलिए ठीक है, फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।